हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अतरंगी दुनिया। आई एम श्योर डैट कि आपके पास भी इस टाइप के कबाड़ होंगे आपके घर में। तो आज मैं इन्हीं सी चीज़ों से लाई हूँ DIY। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये बॉटल वाली DIY। तो मैंने यहाँ विनेगर का बॉटल लिया है, इसे खाली होने के बाद इस पर फेविकॉल लगा करके पुट्टी का एक पेस्ट बना के इससे कुछ इस तरीके से सजाया है, मीन्स चिपकाया है। ड्राई होने के बाद मैंने इस पर स्प्रे पेंटिंग गोल्डन कलर का किया है। उसके बाद मैंने इसे मल्टी कलर कलर से कलर किया है और पूरा लुक कुछ कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। आप देख सकते हो ये कितनी खूबसूरत लग रही है। एक्चुअली मैंने इसका टी लाइट होल्डर बनाया है जो कि दिवाली के पर्पज़ से है, बट आफ्टर दिवाली मैं उस पर ये कैप हटा करके प्लांटर एज ए यूज कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। मीन्स एक चीज़ और दो काम इसके हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दूसरा DIY। ये अक्सर केक के नीचे का ये जो MDF बोर्ड होता है, तो कई बार हम ख़रीदते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो ये हमें फ्री में केक के साथ मिल रहा था, क्यों ना इसका यूज करें। तो पहले मैंने इसका रैपर निकाल दिया और इसे अच्छे तरीके से कोई भी सा बेस से आप कलर कर सकते हैं। मैंने इसे रेड कलर से कलर किया है। अब मैं इसे वापस से पुट्टी के कोन से, एक्चुअली मैं थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का डालने वाली थी तो इसलिए मैंने इस पर ओम भूर्वस्व का मंत्र लिखा। आप चाहे तो कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी हेल्प कर रहा है, एक्चुअली वो 2 साल का है तो वो बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों में लगा रहता है मेरे साथ। इस पे लिखने के बाद मैंने इस लेटर को मंत्र को मैंने स्प्रे पेंटिंग से स्पेशली स्प्रे किया है, ब्रश से किया, जैसे कि कुछ फाइनल लुक इस तरीके से है। अब हम रुक करते हैं अगले DIY की तरफ। तो सेम MDF बोर्ड का यूज मैंने किया है और एक जार बॉटल का यूज किया है, इसे चिपका दिया है और इस पर कुछ भी नहीं, बस अपने हिसाब से कुछ कलर डाल दिया है और ये वॉल हैंगिंग प्लांटर बनाया है कुछ इस तरीके से, जो कि मेन डोर के लिए है। तो आप देख सकते हैं फाइनल लुक इसका। नेक्स्ट जो हमारा DIY है, जो अक्सर हमारे घर में जो बैंगल्स होते हैं, CDs वगैरह होते हैं, उनसे लिया है। तो मैंने इस बैंगल्स को कुछ इस तरीके से ऊन से कवर किया है और CDs को कुछ तरीके से कलर किया है और मंडला आर्ट से सिंपल पेंट किया है और एक रोप की हेल्प से इसे चिपका दिया है और इस तरीके से टी लाइट होल्डर दिवाली के मौके के लिए बनाया है। तो कुछ इस तरीके से इसका फाइनल लुक है। आपको कौन सा अच्छा लगता है प्लीज़ बताएं। और ये हमारा फिफ्थ और लास्ट DIY जो कि बहुत ही अमेजिंग है। अक्सर आपके घर में ये हिट का कैन रहा होगा, तो मैंने इसका इस तरीके से ये ऊपर का कैप निकाल लिया है टूल्स से निकाल, जिसमें मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है। वापस से इसके पुट्टी से थोड़ा कवर कर दिया, जिससे कि वो जो भी रूखापन है जिससे हमें लग सकता है वो हटा दिया। आप जैसो का यूज कर सकते हैं या फिर सिंपली पुट्टी का ही घोल लगा करके मैंने इसे पुट्टी के पेस्ट से इस तरीके से कुछ डिजाइंस बनाए हैं।
ड्राई होने पे अब हम इस पर ब्लैक कलर पेंट करेंगे, और पेंट करने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। और अब हम इस पर आखिरी पे ये स्प्रे पेंटिंग करने वाले हैं, और स्प्रे पेंटिंग के बाद इसका ऐसा लुक आया है। तो मैं वापस से ये फ्लावर को येलो और उसके लीव्स को और स्टेम को कलर कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा और उभर के आए। तो करीबन इस टाइप का ये दिख रहा है। फिर से वापस से मैंने स्प्रे पेंटिंग किया है उसके ऊपर। आप चाहे तो पहले पूरा कलर करके वापस से स्प्रे पेंटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ दोबारा किया है क्योंकि फर्स्ट टाइम किया तो थोड़ी सी गलती हुई है। और ये रेडी है हमारा फ्लावर वास। तो अब मैं इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर डालूंगी, और इसको ऊपर से कवर करने के लिए मैंने ये थर्मोकोल और पेपर कट करके डाला ताकि वो उसकी होल पूरा प्रॉपर फिल हो जाए। तो आपको कैसा लगा ये फ्लावर वेस्ट कैन का? तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़।